सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आईआरबी इंफ्रा के अंदर आज आप लोग देखोगे कितनी शानदार तेजी हमें देखने को मिली है और बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार ये तेजी क्यों बनी है, इस तेजी के पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है वो इस वीडियो में जानेंगे और आगे क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं वो भी देखेंगे चार्ट्स के ऊपर। क्योंकि आज आप लोग देखोगे फ्रेश बाउंड वीक हाई स्टॉक ने बनाया है, लगभग अभी के टाइम जो शेयर है वो 7.5% के करीब हमें तेजी पर दिखाई दे रहा है और 20 करोड़ 34 लाख की हाई वॉल्यूम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। इतनी हाई वॉल्यूम आखिरकार आई है तो क्यों आई है, क्या इसके पीछे रीजन, चलिए जानते हैं डिटेल में। आज जो स्टॉक ने हाई लगाया है 3660 का हाई इसका रहा है, 52 वीक हाई भी है, तो काफ़ी शानदार मोमेंटम स्टॉक में बने हैं और अचानक से इतने हाई वॉल्यूम और इतनी ज़बरदस्त रैली बनी है। एक तो ब्रेकआउट प्लस ऊपर से आप लोग देखोगे हमें एक अपडेट आते हुए नजर आई थी जिसकी वजह से इतने हाई वॉल्यूम आई है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें अपडेट देखने को मिली है, HDFC सिक्योरिटी की गति तेज, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और EID पैरी की तरफ से आप लोग देखो बड़ी अनाउंसमेंट होते हुए नजर आई है। HDFC सिक्योरिटी के विशेषकों आपके द्वारा, आप लोग देखोगे जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है कि IRB इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में 7% और EID पैरी शेयरों में लगभग 6% की तेजी की संभावना दिखती है, दोनों शेयरों पर खरीद की सलाह देते हुए आप लोग देखोगे। ये अपडेट थी 16 अक्टूबर को 3:30 बजे के आसपास शाम को, तो ये अपडेट आई जिसकी वजह से आप लोग देखोगे IRB इंफ्रा जो ना भी आपको एक ज़बरदस्त रैली दिखाते हुए नजर आया है। कल के दिन भी इसके में हमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली और आज भी आप लोग देखोगे ज़बरदस्त रैली। तो HDFC सिक्योरिटीज़ के द्वारा न्यू टारगेट इसके दिए गए हैं और वही कारण रहा है इस शेयर में एक ज़बरदस्त रैली का। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ HDFC सिक्योरिटीज़ की कुछ शीर्ष सिफारिशों पर एक नज़र डालिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी जो है ना इसके टारगेट दिए गए थे वो 34.5 रुपये के टारगेट दिए गए थे, लेकिन स्टॉक तो आज आप लोग देखोगे 36 रुपये तक पहुँच गया है ऊपर में, तो काफ़ी शानदार रैली स्टॉक में बनी और आगे भी ये जो ना भी एक अच्छा खासा मुनाफा हमें दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम कब बन सकता है अभी के टाइम, वो रहेगा Q2 के बाद। तो Q2 के अभी तक डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुई है, जैसे ही Q2 की डेट वगैरह अनाउंस होगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। और आज जो ये हाई वॉल्यूम आई है HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा न्यू टारगेट दिए गए ना उसी की वजह से, तो चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट इसका। तो यहां पर आप लोग देखोगे अभी के टाइम जो शेयर है वो ऊपर के भाव से हमें टूटते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। ऊपर के भाव से आप लोग देखोगे 35 के आसपास आ चुका है, 34.95 रुपये का इसका ब्रेकआउट लेवल था जो स्टॉक ने ब्रेक किया है, उसके बाद ऊपर में सस्टेन तो नहीं कर पाया। अभी के टाइम आप लोग इसी प्राइस के आसपास घूम रहा है, अगर ऐसे में स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर पाता है काफ़ी अच्छी बात है, ये आपको ऊपर में 40K भी लेवल दिखा सकता है, वो रहेंगे Q2 के बाद में भाई, Q2 का भी ऐसा स्टॉक के ऊपर रहेगा। अभी के टाइम में यहाँ पर देखोगे आप स्टॉक में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, ठीक है, इसमें कोई दुराय नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया ये जो शेयर है वो आपको एक अच्छे खासे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल इसका जो अभी 34.95 रुपये के आसपास, लेकिन स्टॉक अभी के टाइम नीचे में है, तो थोड़ा संभल के स्टॉक के साथ चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। नीचे में जो सेकंड सपोर्ट है वो 33.25 रुपये, तो जो आपको बेस्ट लगे वो पकड़ के चलिए, इसका जो है सपोर्ट है 33.25 का, तो इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए। फ्रेश निवेशक बहुत सारे होंगे जो स्टॉक में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा Q2 के बाद, या फिर यहाँ पर अगर आप लोग एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो सपोर्ट के ऊपर फोकस करना आई थिंक सबसे बेस्ट है, तो सपोर्ट के ऊपर फोकस कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।